उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन ने कमर कस ली है। बता दें, ये चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। निर्वाचन आयोग इसके लिए 25 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करने जा रहा है। शनिवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त एस के अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया, चुनाव जो है वो नवंबर के अंत तक संपन्न हो जाएंगे। उसमें चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज हमने आगरा जोन की अधिकारियों की बैठक की। लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसकी हमने समीक्षा की और कुल मिला के स्थिति पहले से बेहतर हमको लगी। अप्रैल मई में भी हम आए थे, उसकी अपेक्षा जो हमने अब रिव्यू किया है तो उसमें कुछ सुधार हमें दिखाई दिया है। और जो कुछ ये भी हमने कहा है कि जो शराब है, इलिसिट डिस्टिलेशन है, या जो बाहर से शराब आती है, या जो अवैध असला बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, उन पर खास नजर रखी जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। सांप्रदायिक और जातिगत हिंसा, इन दोनों पर विशेष नजर रखी जाए। और सब से सख्त कार्रवाई की जाए, तो बड़ा हो, छोटा हो, किसी दल का हो, किसी पार्टी का हो, कोई भी हो जो इसमें संलिप्त है, या जो इसको बढ़ावा दे रहा है, या जो इसको उकसा रहा है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। जो नॉन बेलेबल वारंट, इस चुनाव में जो टेक्नोलॉजी है उसका बहुत भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। 10% ऐसे हमारे बूथ होंगे जिनको हम हाइपर सेंसिटिव प्लस कहेंगे। इनमें वीडियोग्राफी निरंतर होगी, नॉन स्टॉप होगी, सीसीटीवी कैमराज लगेंगे, वेबकास्टिंग होगी, सेंट्रलाइज वेबकास्टिंग होगी थ्रू आउट द स्टेट, और ड्रोन कैमराज का भरपूर प्रयोग किया जाएगा। जितने वेब कैमराज की जरूरत है, आवश्यकता है, नीड है, उतने एडमिनिस्ट्रेशन को कहा है आप हायर करिए और हम उसका पैसा। पत्रकारों से बात करते हुए अग्रवाल ने बताया कि सभी 835 स्थानीय निकायों के लिए नामांकन से लेकर मतगणना तक का काम 40 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। SBN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।